कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा के समर्थन में आज पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे राणा केपी सिंह कुटलेहड़ पहुंचे और विवेक शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील की। राणा केपी सिंह समेत कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के रायपुर, धुंधला, छपरोह समेत कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राणा केपी सिंह ने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस प्रत्याशी विवेक राणा को अपना समर्थन लेकर विजयी बनाएं। वहीं विवेक शर्मा ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये विधानसभा उपचुनाव मात्र चुनाव नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये धन बल और जनबल की लड़ाई है जिसमें जीत जनबल की होगी। इस लड़ाई में जो है जीत जो है वो हमेशा से जो जनबल की हुई है महाराज जनबल जो हम अपनी जीत की तरफ जो महसूस हो रहा है वो आज आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये इस बात का प्रतीक है। जो लोग आप सब यहाँ आए हैं ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में जो धनबल जो है पिछले का और जनबल जो है आगे बढ़कर जो है वो आएगा। साथियों ये लोग अब आपके बीच में आ रहे हैं, शराब भी मारने की कोशिश की जा रही है, पैसे मारने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा शराब की बोतल रात को पीने के बाद सुबह जब खाली हो जाती है तो बाकी कीमत सब एक लगाया जाती है। अगर एक रुपये में कोई व्यक्ति अगर आज अपनी वोट को बेचना चाहता है तो ये बात सोच लीजिए कि आज वो व्यक्ति जो है अपना और अपने परिवार का जो है वो दुश्मन होगा, क्योंकि आज परिस्थितियां जो अलग है आज इस प्रदेश में। वहीं इस दौरान राणा केपी सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा जहां भी पहुंचे लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं में उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर विवेक शर्मा गदगद नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुटलेहड़ से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।